हेलो गाइस, ये हमारे पास नोकिया का मोबाइल है। नोकिया मोबाइल 105 2017 मॉडल है। इसमें क्या प्रॉब्लम दे रहा है कि ये बिल्कुल भी ऑन नहीं है, डेड हुआ पड़ा है। तो हम वहाँ पे इसको सप्लाई पे चेक कर रहे हैं, पावर सप्लाई पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो ये कैसे रिपेयर हुआ स्टेप बाई स्टेप आपको बताएँ। ये अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलती रहे। तो बने रहे हमारे साथ, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझेंगे कि कैसे तरह पैर होगा। तो दोस्तों, हमें इसको अब सबसे पहले हमने इसका एलसीडी को निकाल देना है। इसके अंदर ये है वोल्टेज बैटरी, इस जगह पे ये वाला। तो अक्सर जो है ये प्रॉब्लम आती है इस जगह से। तो इस जगह पे ये प्रॉब्लम आती है, तो इसको हमने पहले क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद हमने इसके वोल्टेज बैटरी चेक करने के किस जगह पे ब्रेक है। ने इस वाले इस जगह पे इसको चेक करना है। एक पॉइंट हो गया इस जगह पे, तो दोस्तों हमने इसका जो वोल्टेज बैटरी है हमने सबसे पहले वो चेक कर लेना है। ये दूसरा पॉइंट है वोल्टेज बैटरी का, ये लाइट पॉइंट भी है, वोल्टेज बैटरी भी है। तो हमने इसको चेक किया यहाँ पे, इस जगह पे हमें वोल्टेज बैटरी मिल रहा है। तो अब हमने इसको चेक कर रहे हैं इसके बाद इस जगह पे, ये वाला कनेक्शन जा रहा है इसका इस जगह पे। ये तो इसको हमने इस वाले कोने पे चेक करना है कि इस पे हमें वोल्टेज बैटरी मिल रहा है, ठीक है। तो हमने इसके साथ ये जम्बर, ये वाला वोल्टेज जा रहा है इसका बैटरी का इस जगह पे, इस वाले डीपी पे। तो हमने इसको भी इस पे चेक करना है कि इस जगह पे हमें वोल्टेज बैटरी मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये सीपीयू से निकल रहा है ये वाला। तो सीपीयू को यानी कि कनेक्शन सप्लाई बिल्कुल नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही कि यहाँ पे इस जगह पे इसका कनेक्शन जो है ब्रेक हो चुका है। इस जगह पर हमें वोल्टेज बैटरी मिलना चाहिए। जब इस जगह पर हमें बैटरी की वोल्टेज मिलेगा तो ये मोबाइल ऑन होगा। तो हमने क्या करना है कि जहाँ से ये कनेक्शन ब्रेक हुआ है हमने उस जगह पे जम्बर करना है। तो ये देखें, इस जगह पे हल्का सा कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। तो हमने इसको इस जगह पे स्क्रैच कर लेना है। अगर आप वो ये कनेक्शन यानी कि कहीं से ब्रेक हुआ थोड़ा आपको मालूम नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से जम्बर उठा के इस वाले कनेक्शन पे करना है, तो ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो हमने ये ज़्यादा लंबा जम्पर हमने मुनासिब नहीं समझा, तो हमने उस जगह पे स्क्रैच करके जम्पर कर रहे हैं जहाँ से ये कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। ये देखें, ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से मोबाइल ऑन नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, हमने सिर्फ इसको इस जगह पर जम्पर दिया, लंबा पर जम्पर हमने मुनासिब नहीं समझा। तो आप जो है उस जगह से जम्पर भी करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब हमने वही वोल्टेज चेक करने हैं कि सीपीयू से जो वोल्टेज आ रहा था
के साथ बैटरी का कनेक्शन अटैच हुआ है या नहीं हुआ। ये हो गया वोल्टेज बैटरी और ये हो गया सीपीयू का वोल्टेज। अब जो है सीपीयू का वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज यानी कि यहाँ पे पहुँच चुका है, तो अब जो है 100% ये मोबाइल ऑन होगा। हम आपको चेक भी करा देते हैं। देखें ये वाला जो कनेक्शन जा रहा है ये वोल्टेज बैटरी का कनेक्शन है इस जगह पे, ये था यहाँ तक इस जगह पे, इसके जगह पे ये डीपी बना हुआ है इसका, इस जगह पे हमने चेक करना है। इस जगह पे हमें वोल्टेज बैटरी मिलना चाहिए इस जगह पे भी और इस जगह पे भी, लेकिन इनमें से किसी जगह पे अगर करंट ब्रेक है तो हमने जहाँ से जंपर उठा के इस जगह पे कर और ये तीनों कनेक्शन को एक ही करना है, यानी कि यहाँ पे तीनों कनेक्शन पे हमें वोल्टेज बैटरी मिलना चाहिए। अगर एक जगह पे हमें वोल्टेज बैटरी नहीं मिल रहा तो हमने जंपर उठा के उस जगह से जंपर उठा के इस जगह पे वोल्टेज बैटरी का कनेक्शन करना है, तब ये मोबाइल ऑन होगा। हमने इसको जंपर कर दिया है, अब हम इसको चेक भी करते हैं। ये 100% मोबाइल ये बेड में से ऑन होगा। अभी दोस्तों हमने सिर्फ एक ही जंपर किया है जिसकी वजह से ये मोबाइल डेड हुआ पड़ा था। तो ये 100% वर्किंग में, आप चेक भी कर लेते हैं इसको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलती रहे और इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलती रहे। देखें दोस्तों ये 100% वर्किंग है। ओके थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।